सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशिता हमारा। 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तिथि है जिसे हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये वो दिन है जिस दिन भारत देश आजाद हुआ। ये दिन भारत के नागरिकों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसी दिन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए बलिदान को हमें याद दिलाता है। ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना के साथ देश के लिए कुछ कर दिखाने की भावना को भी उत्तेजित करता है। आज 15 अगस्त 2021 भारत देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत देश वास्तव में 200 साल की गुलामी में था और अब उसे आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि हम गुलाम ज्यादा दिन रहे हैं और आजाद अभी हुए सिर्फ 75 साल ही हुए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सचमुच आजाद हैं? क्या सच्ची स्वतंत्रता हमारे पास है? सच्ची स्वतंत्रता एक आजादी है जो कि दूसरों के नियंत्रण से हमें मुक्त करती है। सच्ची स्वतंत्रता सब गुलामी से छुटकारा देती है। सच्ची स्वतंत्रता एक एहसास है जो हमें दूसरों के बराबर होने का हक देती है। सच्ची आजादी ये स्वीकार करना और विश्वास करना है कि आप स्वयं ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह आप नियंत्रण वापस लेते हैं, इस तरह आप अपने सपनों तक पहुंचते हैं। यही वह भावना और नींव है जिस पर एक महान देश का निर्माण होता है। यही असली स्वतंत्रता है। गलातियों अध्याय 5 का 1 इस प्रकार से कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। कोई भी स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती। जैसे स्वतंत्रता पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 का 1 और 4, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? इन वचनों में हम देखते हैं कि शाऊल नाम का एक दुष्ट व्यक्ति है जो प्रभु के जो लोग हैं उन पर अत्याचार करता है। और जैसे उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है तो वचन 6 बताता है, और अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे उसकी यीशु से मुलाकात होती है वो बदल जाता है। यदि आज आप बंधन में हैं, किसी न किसी चीज की गुलामी में है, पापों की गुलामी में है, तो प्रभु यीशु मसीह में आपके पास सच्ची स्वतंत्रता है। आपको सिर्फ प्रभु यीशु से मुलाकात करने की जरूरत है और आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। अगर आज आजादी के दिन भी आप किसी न किसी चीज की गुलामी में है, किसी लत की गुलामी में है या कुछ खराब चीजों की गुलामी में है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने गुलामी के बंधन से छूट जाएं। तो आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो आप भी क्यों ना अपनी मुलाकात प्रभु यीशु से करें और उसको अपने जीवन में बुला लें, ताकि आप भी सचमुच आजादी को प्राप्त करें।